बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूँ बज़ात अब्बास। आज मेरे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद नदीम असगर साहब क़िबला। आज का आपका मौजू है अच्छाई और बुराई के नतीजे। इस मौजू पे आइए मौलाना से गुफ्तगू करते हैं। मौलाना सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي إذا رأيت الناس يشتغلون بالفضائل اشتغل انت بإتمام الفرائض وإذا رأيت الناس يشتغلون بعمل الدنيا فاشتغل انت بعمل الآخرة وإذا رأيت الناس يشتغلون بعيوب الناس فاشتغل انت بعيوب نفسك। नाज़रीन किराम, सच्ची ज़िंदगी हमें बहुत सी सच्चाइयों और बहुत सी अच्छाइयों की तरफ मुतवज्जे कर रही है। ये प्रोग्राम मुसलसल नए नए मौजूआत को हमारे और आपके सामने पेश करता है और हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन अहादीस के ज़रिए से कि जो पैगंबर इस्लाम ने, अइमा ताहरीन ने, अहले बैत ने हमारी ज़िंदगी को एक सच्ची ज़िंदगी की तरफ ले जाने के लिए मिशाल राह के तौर पे बयान की है, उससे कुछ पैगाम हासिल किया जाए। आज जैसा कि आप जानते हैं, अच्छाई और बुराई के नताएज, हम अगर अच्छाइयाँ करें तो उसका असर हमारी ज़िंदगी पे क्या होगा, अगर हम बुराइयाँ करें तो उसका असर हमारी ज़िंदगी पे क्या होगा। बहुत अहम मौजू है और ये वो मौजू है कि जो दुनिया से भी मरबूत है, आखिरत से भी मरबूत है। इसलिए कि अच्छाइयों के आसार दुनिया में भी हैं, आखिरत में भी हैं। बुराइयों के आसार दुनिया में भी हैं, आखिरत में भी हैं। अच्छाइयों के आसार हमारी ज़ाती ज़िंदगी पे भी हैं, हमारी आने वाली नस्लों पे भी हैं। हमारी बुराइयों के आसार हमारी ज़ाती ज़िंदगी पे भी मुरत्तब होते हैं, आइंदा नस्लों पे भी मुरत्तब होते हैं। सिर्फ बात नस्ल ही की नहीं है, कभी कभी हमारी अच्छाइयाँ पूरे माशरे को महफूज कर लेती हैं, पूरी कौम को बचा लेती हैं। कभी कभी बुराइयाँ चंद लोगों की पूरी कौम को अपनी लपेट में ले लेती है। यानी एक इंसान या चंद लोगों की गुनाहों का असर पूरी कौम पे मुरत्तब होता है और एक फर्द या चंद अफराद की अच्छाइयों का असर भी पूरी कौम के ऊपर। और शायद यही वो फलसफा है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरी कौम को अम्र बिल मारूफ और नहीं अज़ मुनकर की दावत दी गई है। इसलिए कि तुम ये ना समझना कि तुम उसको अच्छाइयों की तरफ तरगीब दे रहे हो, तुम उसको अच्छाइयों की तरफ बुला रहे हो, तुम उसे बुराइयों से रोक रहे हो, तुम उसे बुराइयों से बचा रहे हो। नहीं, उसकी बुराई हो सकता है कि चंद अफराद में फैले और फिर उसका असर तुम्हारी हयात पे हो, लिहाजा उसको रोकना भी खुद तुम्हारे मफाद में है। रिवायतों का जायजा ले, खुद जिस
हदीस को मैंने अभी आपके सामने पैगंबर इस्लाम की पेश किया, आप देखें कभी कभी गुफ्तगू कहने वाले के एतबार से अजीम और बुलंद होती है, कभी सामे के एतबार से कि किससे कहा जा रहा है। हम जिस बात को आपके सामने पेश कर रहे हैं, यहां कहने वाला वो है कि जो सैयदुल अंबिया है, मुखातिब वो है कि जो सैयदुल औसिया है, कहने वाला वो है जो अव्वल खल्क है, जो अव्वल अक्ल है, जो अक्ल कुल है, सुनने वाला वो है जो कुल ईमान है। यह हदीस इस जहत से अगर देखा जाए तो बड़ी अजीम है। पैगंबर इस्लाम मौलाए कायनात से कहते हैं, या अली मैं 6000 कलमात को अगर कहो तो तुम्हें सिर्फ 6 कलमों में जमा करके तो करूं। मौलाए कायनात कहते हैं, या रसूलल्लाह फरमाए, नबी करीम आवाज देते हैं कि सुनो, और यह हदीस हम सब के लिए है। असल में पैगंबर अमीर कायनात को मुखातब करार दे रहे हैं, लेकिन दरवाके ये हमें और आपको बताया जा रहा है कि अगर हम इन 6 कलमात के ऊपर अमल कर लें तो हमारी जिंदगी अच्छी और सच्ची जिंदगी बन सकती है। पैगंबर आवाज देते हैं, या अली इज़ा रायतन नास यश्तगलून बिल फ़ज़ाइल, ए अली देखो जब लोग अपनी फजीलतों के बयान में लगे हों, जब लोग मशगूल नजर आए अपनी तारीफों में कि हमने ये किया, हम वो कर रहे हैं, हमने ऐसा किया, हम ये काम कर रहे हैं। इस वबा के दौर में भी बहुत से ऐसे अपराध आपको मिल जाएंगे कि जो आपको महलों में प्रोग्रामों में मिलेंगे, अरे साहब हमने तो देखा कि फला इतने लोग जो है वो भूखे हैं, तो हमने ये किया और हमने वो किया, हमने वो किया। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, कभी कभी जिक्र दूसरों को तशवीक दिलाता है। लेकिन मौलाए कायनात से पैगंबर इस्लाम क्या कह रहे हैं कि जब लोग अपने फजाइल में मशगूल हों तो उस वक्त तुम अपने फराइज की तकमील में मशगूल हो। फिर मौलाए कायनात से इरशाद फरमाते हैं, इज़ा रअयतन नास यश्तगलूना बिअमलिद दुनिया फश्तगल अंता बिअमलिल आखिरा, ए अली जब लोगों को देखो कि वो दुनियावी काम में मसरूफ हैं तो ऐसे वक्त में तुम दीन के काम में मसरूफ हो जाओ। ऐसी हदीस आप जरा गौर करें, हमें तवज्जो दिला रही है। क्यों? इसलिए कि आज होड़ लगी है किस बात की, जो सब कर रहे हैं वो करने की। हम पीछे भागते हैं लोगों के कि लोग क्या कर रहे हैं। माह मुबारक में लोग ज्यादा मस्जिद में आते हैं तो हम भी मस्जिद में ज्यादा चले आते हैं, माह मुबारक के बाद नहीं आते तो हम भी नहीं आते। नहीं, लोगों को अगर देख रहे हो कि लोग दुनियावी काम में मशगूल हो रहे हैं तो तुम इबरत हासिल करते हुए दीन के काम की तरफ तवज्जो दो। और उसके बाद तीसरा फिक्रा, व इज़ा रायतन्नास यश्तगलूना बेअयूबिन्नास, जब देखो कि लोग मशगूल हैं लोगों की ऐब जोई में, लोगों की बुराइयां तलाश करने में, तो फश्तगिल अंता बेअयूब नफ्सिक, तो उस वक्त ये देखो कि तुम्हारे नफ्स में वो बीमारी तो नहीं पाई जाती है, तुम्हारे अंदर वो कमी तो नहीं पाई जाती है, तुम्हारे अंदर वो गलती और खता तो नहीं पाई जाती है, तुम्हारे अंदर वो बुराई तो नहीं पाई जाती है। क्या मतलब देखो, खाली देख के रह जाना है? नहीं, इसका मतलब यह है कि इबरत हासिल करो कि अगर ऐसी बुराई होगी, हो सकता है कि कल हमारी नौबत आए, लोग हमारी बुराइयां करें, लोग हमारी गीबत करें, लोग हमारे बारे में ऐसी बातें करें। लिहाजा अपने नफ्स की इसलाह कर लो कबल इसके कि लोगों के सामने तुम्हारे नफ्स का मजाक उड़ाया जाए।
वो अच्छा नहीं कर रहे हैं कि दूसरे के अय्यूब को उछाल रहे हैं, लेकिन तुमको ऐसे माहौल में उनका साथ नहीं देना है, बल्कि अपने अय्यूब को देखना है कि कहीं हमारे अंदर तो ऐसी गलतियां और खामियां नहीं पाई जाती। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि हम अच्छाइयों की तरफ रागिब होंगे, बुराइयों से बचेंगे। क्यों? इसलिए कि पैगंबर इस्लाम ही ने फरमाया है कि मैं यमूत बिल आजाल। याद रखो कि लोग अपनी गुनाहों की वजह से ज्यादा मरते हैं, अपनी तबी मौत से कम मरते हैं। इसलिए कि आप जानते हैं बहुत से ऐसे गुनाह हैं कि जो इंसान की उम्र को कम करते हैं, जैसे बहुत सी ऐसी अच्छाइयां हैं कि जो इंसान की उम्र को बढ़ा देती हैं। मसलन सदका इंसान की उम्र को बढ़ाता है, मसलन सिले रहम इंसान की उम्र को बढ़ाता है, उसी तरीके से कते रहम इंसान की जिंदगी को कम करता है, मां बाप की नाराजगी इंसान की उम्र को कम कर देती है। मां बाप से एहतराम के साथ अच्छाइयों के अच्छे असरात होते हैं। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया एक जगह, अबाक अपने बाप की तरफ तवज्जो दो, युराक इब्न का तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरफ तवज्जो देगा। क्या मतलब है? अच्छाई का अच्छा नतीजा मिलेगा। तुम अगर अपने मां बाप के लिए तवज्जो दोगे, अपने मां बाप के साथ उसने सुलूक दिखाओगे, तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ उसने सुलूक दिखाएगी। यह मिसाल वैसे भी मशहूर है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इंसान को चाहिए कि वह अच्छे काम करे, अच्छे काम के नतायज। इंसान एक शख्स है पैगंबर इस्लाम की खिदमत में आया और आने के बाद कहता है, या रसूलल्लाह मेरा बाप मशकूक दुनिया से गया है, ईमान पे नहीं गया, वो तौहीद को नहीं मानता था, वो दुनिया से चला गया, लेकिन मेरा बाप बहुत सखी था, उसके दस्तरखान पे कभी उसने खाना नहीं खाया जब तक कि कोई मेहमान ना आ जाए, फकीरों की बहुत मदद करता था, लोगों का ख्याल करता था, बहुत सखी इंसान था। क्या इसकी सखावत इसके इस्लाम की जगह ले सकती है? पैगंबर इस्लाम फरमाते नहीं, इसकी सखावत इसके इस्लाम की जगह तो नहीं लेगी, लेकिन इसकी सखावत का इसकी नस्ल को अजर मिलेगा। वो क्या का इसकी नस्ल को उसकी सखावत का अजर यह मिलेगा कि उसकी नस्ल में फकीर नहीं होंगे, उसकी नस्ल में मोहताज नहीं पाए जाएंगे, उसकी नस्ल को अल्लाह सखी बनाएगा। अच्छे आमाल के अच्छे नताएज होते हैं, बुरे आमाल के बुरे नताएज होते हैं। हमें चाहिए कि हम अच्छाइयों की तरफ बढ़ें, बुराइयों से बचें। आप जितनी बड़ी बुराई होगी नताएज उतने ही खतरनाक होंगे, जितनी बड़ी अच्छाई होगी नताएज उतने ही अच्छे होंगे। आप देखिए करबला से हम सब दर्स ले सकते हैं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से निकल के करबला की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में एक शख्स मिला, सरकार सैयदुश्शहदा से सवाल करता है, सलाम करता है, मुतालबा करता है, मल लजी अखरजका मिन हरमिल्लाह व मिन हरम जद्दी जद्द का रसूलिल्लाह। ए मेरे मौला, ये बताइए कि आपको हरम खुदा से किसने निकलने पे मजबूर किया, किस चीज में, मल लजी, वो कौन सा सबब था कि जिसकी वजह से आप निकले? इसलिए कि हुसैन को किसकी मजाल है कि जो हरम इलाही से जुदा कर दे, किसकी मजाल है हरम रसूल से हुसैन को जुदा कर दे, मगर वो कौन सा सबब हुआ कि आप निकल आए, वो कौन सा सबब बना कि जो आपने मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा? सरकार सैयदुश्शहदा ने जो जवाब दिया है,
आप ज़रा देखें उस जवाब को, और हमें अपनी ज़िंदगी में उसके ज़रिए से दर्स लेना चाहिए। सरकार सैयदुश्शुहदा कहते हैं, इन्ना बनी उमैया अखदू माली फसबरतो, बनी उमैया ने हमारा माल हमसे छीना, हमने सब्र किया। कौन सा माल छीना है बनी उमैया ने? पढ़ लीजिए तारीख। हुकूमत आले मोहम्मद का हक था, उनसे छीना गया। बाग फदक जो पैगंबर इस्लाम ने हुक्म खुदा की बुनियाद पर दिया था, वो छीन लिया गया। ये पूरा एक सिलसिला है कि जहां माल की बहस, वही वक्त नहीं है, मैं क्या करूं, जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं। माल छीना, हमने सब्र किया, हमने उनके खिलाफ लफ्जी एहतजाज तो मिलेगा अहले बैत का, मगर माल के लिए तलवार नहीं उठाई। बनी उमैया ने शतम, हमको गालियां दी, फसबर तो बहुत अजीब बात है। कौन जो सैयदे शबाब अहले जन्ना है, कौन जो रसूल की आंखें है, जिसके लिए रसूल इस्लाम अना मिनल हुसैन कह रहे हैं, बात उन अहले बैत की है, वो सरकारे सैयदुश्शुहदा कहते हैं, लेकिन फतलबु दमी फहरिबतो। अब जब इन्होंने चाहा कि हरम खुदा में और हरम रसूल में हमारा खून बहा दे, तो हम वहां से निकल आए। सबब यह बना कि ये चाहते थे कि मक्के और मदीने की हुरमत को पामाल करें, लिहाजा हम निकल आए। और उसके बाद सरकार सैयदुश्शुहदा कहते हैं कि सुनो, इन बनी उमैया के लोगों का अंजाम इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा कि पूरी दुनिया उन्हें जलील और रुस्वा करेगी और खार करेगी, और उनकी हैसियत उस नजिस पानी की भी नहीं होगी जिसे लोग फेंक देते हैं। और अब तारीख पढ़िए, अबुल अब्बास सफ्फाह अब्बासी खलीफा है, दरबार में बनी उमैया भी बैठे हैं, बनी अब्बास भी बैठे हैं। यह बहुत अजीम शायर था जिसकी जबान में बड़ी तासीर थी। ये आया और आने के बाद अबुल अब्बास से सफ्फाह से कहता है, वो खुद बहुत बड़ा जालिम गुजरा है, लेकिन उससे आके कहता है कि मैं कुछ शेर पढ़ना चाहता हूं। जो बनी उमैया के अफराद बैठे थे, उन्होंने कहा कि दुआ करो कि इसे शेर पढ़ने की इजाजत न मिले, वरना हम सब कोई जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन अबुल अब्बास सफ्फाह ने उसको इजाजत दे दी, इजाजत दी तो उसने शेर पढ़ना शुरू किया कि वो नवासे रसूल, वो दिलबंदे फातिमा, जिसको करबला में बनी उमैया ने इस तरीके से 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया, ताज्जुब है कि तुम्हारी हुकूमत में वो तुम्हारे इर्द गिर्द बैठे नजर आ रहे हैं। अबुल अब्बास सफ्फाह कहता है बस खामोश हो जाओ, और उसके बाद हुक्म देता है जितने बनी उमैया हैं सबको इकट्ठा करो, और इकट्ठा करके सबको सर कलम कर दो। तारीख कहती है कि जिस जगह उनके सर कलम किए गए थे, वहां से खून की नदी की तरीके से, खून के नाले की तरीके से खून वहां से बह रहा था। यानी इतने लोग कत्ल किए गए, और उसके बाद सिर्फ यही नहीं, बल्कि अबुल अब्बास सफ्फाह ने कहा जाओ कब्रिस्तानों में, बनी उमैया जितने भी कब्रिस्तान में दफन है उनको उठा के लाओ और उन्हें जलाओ। क्यों? बुराई का बुरा अंजाम। अहले बैत के साथ, ये तो जाहिर है अहले बैत हैं, आम इंसान अगर एक इंसान के साथ अच्छाई करता है तो उसके नतायज अच्छे मुरतब होते हैं, और अगर बुराई करता है तो उसके नतायज बुरे मुरतब होते हैं। ये माह मुबारक रमजान ये हमें अच्छा बनाने के लिए आया है, हमारे अखलाक को अच्छा बनाना चाहता है, हमारे किरदार को अच्छा बनाना चाहता है, हमारी रफ्तार को अच्छा बनाना चाहता है।
किस तरीके से हम रोजे की हालत में आम तौर से आप देखते हैं, अरे भाई हम रोजा हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ तो आम दिनों में भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब इंसान रोजा रखता है तो और मोहतात हो जाता है, अब अपनी जबान से झूठ जारी नहीं करता। इसका मतलब रोजा इंसान की जबान को पाकीजा कर रहा है। आम दिनों में हम आंखों की गुनाह करते हैं, लेकिन रोजा रख के इंसान कहता नहीं साहब, हम कोई गुनाह का काम अंजाम नहीं देना चाहते। क्या मतलब? यानी रोजा माह मुबारक रमजान हमें अच्छा बनाना चाह रहा है। रिवायतों में गद्दू अबसारकुम, अपनी आंखों को हराम से बंद करो, फायदा क्या होगा? तरौनल अजायब, अगर तुम अपनी आंखों को बुराइयों से पाक रखोगे तो हम तुम्हारी आंखों में अजायब को खोल देंगे। यानी जो चीजें आम लोग नजर नहीं आ पाती आम लोगों को, वो तुम्हें दिखाई देने लगेंगी। रिवायत और उसके बाद कुरान उठा के देख लीजिए क्या हुआ था। एक हराम से अपने को जनाबे यूसुफ ने बचाया और अल्लाह ने उनको इल्मे रोया अता कर दिया। इसका मतलब यह है कि अच्छाई के अच्छे अंजाम होते हैं, बुराई के बुरे अंजाम होते हैं। पूरी माह मुबारक रमजान की अगर आप उस आयत को उठा करके देखें तो आपको उसका फलसफा वहीं रोशन हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। जैसे गुज़श्ता लोगों पे रोजा फर्ज था, वैसे ही तुम पे भी फर्ज है। किस लिए? लअल्लकुम तत्तकून, शायद तुम मुत्तकी बन जाओ, यानी तुम्हें अच्छा बनाने के लिए। माह मुबारक रमजान से हट के अरे मौलाना क्या बताएं, बोलना ही पड़ जाता है झूठ, अरे मौलाना क्या बताएं, ये करना ही पड़ जाता है, बहुत कोशिश करते हैं कि ऐसा ना करें मगर करना पड़ जाता है। मेरे को उस्ताद, खुदा उनके हिफाजत करे, आगे हुसैनी आमोली ने कहा था, अल्लाह ने माह मुबारक रमजान रखा ही इसीलिए है ताकि तुम्हारे ऊपर हुज्जत तमाम कर दे कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। यह गलत है कि हमसे नहीं किया जाता। आम दिन में जब प्यासे रहते हो तो तुमसे प्यास बर्दाश्त नहीं होती, मगर इस महीने में प्यास बर्दाश्त करते हो कि नहीं? आम दिनों में तुम भूख लगती है तो कुछ खाते हो, इसमें बर्दाश्त करते हो कि नहीं? बस बात इतनी है कि अपने को खुदा के हुक्म का पाबंद बना लो तो सब कुछ कर सकते हो, नहीं बनाना चाहोगे तो नहीं कर सकते। ये माह मुबारक रमजान हमें अच्छा बनाना चाहता है। परवरदिगार, ये महीना हमसे रुखसत हो रहा है, ए मेरे अल्लाह ऐसा ना हो कि ये रमजान गुजर जाए और हम अच्छे ना बन सकें। मेरे परवरदिगार, तूने इस माह मुबारक रमजान को हमारी गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनाया है, हमारे आमाल को बुलंद करने का ज़रिया बनाया है। परवरदिगार, हमारी रूह को बालीदा करता है ये माह मुबारक रमज़ान। ए मेरे अल्लाह, तुझे तेरे करम का वास्ता, तेरी रहमतों का वास्ता, इस महीने की तमाम तर रहमतों और मग़फ़िरतों से हम सबको हमकनार फरमा। इन आखिरी अय्याम में मासूमीन ने जो दुआएँ हमको तालीम दी हैं उसमें भी यही कहा है कि मुस्तकिल अपनी ज़बान पे ऐसे जुमले जारी किया करो, मसलन अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनल मर महरूमीन, अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मरहूमीन। ए मेरे परवरदिगार, हमें इस माह मुबारक गुज़र जाए और ऐसा ना हो कि हमें उन लोगों में करार दे दे जो तेरे महरूम बंदे थे। मेरे अल्लाह, हमें उन लोगों में करार देना जिन पे तूने अपनी रहमतों को नाजिल किया है। मेरे परवरदिगार, ईदी के तौर पे हम सबको इमाम ज़माना के ज़ुहूर को की ताजील और इमाम के
चेहरे मुकद्दस की ज़ियारत हमारी ईदी करार दे। मेरे अल्लाह, इस साल ईद हम इमाम के साथ मना सकें। मेरे परवरदिगार, हम सब के आमाल को कबूल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ दुआ। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल बनारस के अज़ादार को दिया, और मैं बिलखुसूस मौलाना का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम मेरे चैनल को दिया। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ इसी चैनल पे, ठीक 8 बजे शब में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।